सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का टेक वीक एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि हम यूट्यूब पर अच्छी तरीके से वीडियोज कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको वो वीडियो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको पब्लिक का ऑप्शन आता है, उसके बाद अनलिस्टेड, प्राइवेट या फिर शेड्यूल। तो इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब वीडियो आप अपना अपलोड करते हैं तो वहां पर सबसे पहला ऑप्शन आता है पब्लिक का। तो पब्लिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यदि आप पब्लिक पर अपना वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो वहां से यदि आप पब्लिक कर देते हैं तो आपके जितने सब्सक्राइबर होते हैं उनके पास आपके वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाता है। तो एक बार यदि आपका वीडियो पब्लिक हो गया तो वहां से यदि आप दोबारा प्राइवेट करते हैं या फिर अनलिस्टेड करते हैं, उसके बाद फिर से जो है अपनी वीडियोज को जो है पब्लिक करते हैं, तो वहां पर दोबारा से उसके नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना वीडियो पब्लिक करने के पहले आप अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके बाद आप अपना थंबनेल, सब चीजें चेक कर लें। तो दोस्तों यहां पर सेकंड नंबर की हम बात करते हैं अनलिस्टेड वीडियो की। अनलिस्टेड वीडियो करने के बाद आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है वहां पर। जैसे कि आप लोग किसी कंपनी का स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो सारी कंपनियां आपको जो है अनलिस्टेड में आपसे वीडियोज मांगती हैं, वहां से अनलिस्टेड में आप लिंक भेजते हैं अनलिस्टेड करने के बाद, तो वो उस लिंक के माध्यम से आपका वीडियोज देखते हैं, उसके बाद ही आपका पेमेंट करने के बाद आप उस वीडियो को पब्लिक करने को जो है वहां पर कहती हैं। तो यदि आप अनलिस्टेड आप रखते हैं अपने वीडियोज को तो जो है उस लिंक के माध्यम से जो है आप अपने वीडियोज को जहां पर शेयर करेंगे वो लोग उस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं जाता है। उसे यहां पर थर्ड नंबर पर बात करते हैं प्राइवेट की। तो यहाँ पर प्राइवेट करने के बाद आपके वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पर भी नहीं जाता, आपका वीडियोज प्राइवेट हो जाता है। आप अपनी वीडियोज का जो भी वीडियोज आप पब्लिक है या फिर अनलिस्टेड है उसको भी आप अपने वीडियोज को प्राइवेट करके रख सकते हैं। जैसे कि आपके वीडियोज पर जो है कॉपीराइट है या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप उस वीडियो को जो है प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप उस वीडियोज को प्राइवेट रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यदि आपने अपनी पब्लिक वीडियो को प्राइवेट करके रख दिया है तो उसका वॉच टाइम यदि आप मोनिटाइजेशन के भेजते हैं तो उसका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। तो प्राइवेट वीडियोस को आप यहां पर रख सकते हैं। कोई भी वीडियो आप अपनी वीडियोस को जो पुरानी वीडियोस है उसे आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियोस को प्राइवेट रख सकते हैं। प्राइवेट रखने पर यहां पर प्राइवेट रख के या फिर अनलिस्टेड रख के आप अपनी वीडियोज का टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां से YT स्टूडियो से सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम चार नंबर की बात करते हैं शेड्यूल की। तो यहां पर शेड्यूल वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यदि आपको कोई वर्क है तो आप अपनी वीडियोज को शेड्यूल करके रख सकते हैं। वो वीडियो जब आप शेड्यूल करके जिस टाइम पे आपने वीडियोज को शेड्यूल किया है वो उतनी टाइम पे जो है आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी, चाहे आपके फोन में डाटा हो या नेटवर्क हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी आपकी वीडियो जो है पब्लिक हो जाती है जितने टाइम पे आप अपने वीडियोज को शेड्यूल करके रखते हैं। तो हमारे चैनल पर जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा पहला चैनल है IAS बाबू, वहां पर हम जितनी भी वीडियो जब तक अपलोड किए हैं वहां पर हमारी सारी शेड्यूल वीडियो होती है। वहां पर हमारी मॉर्निंग 8 o'clock की सारी वीडियोज होती हैं। जब भी हमें वीडियोज अपलोड करते हैं तो वहां पर हम शेड्यूल करके रख देते हैं मॉर्निंग में अपने आप से जो है, मॉर्निंग में 8 o'clock पे सारी वीडियोज हमारी पब्लिक हो जाती है। तो इस चैनल पर भी हम शेड्यूल करके सारी वीडियोज को जो है अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियोज को अनलिस्टेड में रखते हैं, उसके बाद अपनी वीडियोज को शेड्यूल कर देते हैं तो वो अपने टाइम पर जो है जब भी आप टाइमिंग जो भी डेट आप सेट करेंगे उस टाइम पर आपकी वीडियो शेड्यूल हो जाएगी। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।